मैं बीना और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज बिहार दरोगा पीटी की परीक्षा हुई और द फुल वॉल्यूम की पूरी टीम ने जाकर ये जायजा लिया केंद्रों पर कि किस तरह के सवाल अभ्यर्थियों से पूछे गए थे और वैसे ही कुछ सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। सवाल मतलब ज्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल ही था मतलब, और करेंट अफेयर से मतलब 4-5 क्वेश्चन था और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मतलब संविधान से था। और अभी आया था ये मतलब के वेणुगोपाल मतलब कौन है, सोलिस्टर मतलब अटॉर्नी जनरल है, अभी ये आया था। क्वेश्चन ठीक ठाक ही था, हर चैप्टर टॉपिक वाइज क्वेश्चन था, करेंट से भी अच्छा ही था। करेंट नहीं ठीक ही था, करेंट हर चीज़ से करेंट था, पॉलिटिक्स से लेकर खेल खिलाड़ी तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबसे था, पॉलिटिक सबसे ही क्वेश्चन था, करेंट सबसे ज़्यादा था। करेंट सोचे थे कि 5-6 हो लेकिन 15-16 क्वेश्चन था। ओवरऑल सारा क्वेश्चन बेसिकली था, सब ओवरऑल सब सब्जेक्ट से था। जीके का पोर्शन ज़्यादा था जिसमें पॉलिटी हिस्ट्री और जियोग्राफी का पोर्शन से ज़्यादा था और करंट अफेयर्स भी था। और ये बिहार से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन होगा, एक या दो से ज़्यादा नहीं हो। मैथ से 5 क्वेश्चन था, ओवरऑल बेसिक क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम पूछा गया था और ये नोबेल पुरस्कार से नोबेल प्राइज़ से पूछा गया था। इकोनॉमिक्स सेक्टर में किसको किसको मिला ये पूछा गया था। क्वेश्चन अच्छा था, काफ़ी अच्छा था क्वेश्चन। ये मतलब करंट से भी था और ये हिस्ट्री से ज़्यादा था, तो हिस्ट्री से पूछ मतलब सिलेबस तो पता ही था, जैसा सिलेबस था वैसा ही क्वेश्चन आया है। जी मैम, इस समय जीके क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, इसके अलावा हिस्ट्री क्वेश्चन भी हैं। मैं समझता हूँ कि 50-40 क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे हैं और ये मध्यम स्तरीय पेपर है, अगर आप तैयारी की तो आराम से कर सकते हैं। जी, और जैसे करंट अफेयर्स में कोई बुक्स था जैसे कि मतलब आप सीधा करंट अफेयर्स में जो भी बुक्स आप जो नए नए आए हैं आप उनको याद कर लीजिए, वो बुक्स आ रहे हैं। और हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, और ज्योग्राफी से भी 1-2 क्वेश्चन है, और पॉलिटी से राज्यसभा लोकसभा ये सब देख लीजिएगा, वो सबसे क्वेश्चन आया जा रहा है। और प्रेसिडेंट तो पक्का, उससे क्वेश्चन आ रहा है, और डिप्टी स्पीकर लोकसभा स्पीकर वगैरह से क्वेश्चन आ रहा है। और बात करें कि अभी जो करंट इश्यूज़ में है, करंट इश्यूज़ में जैसे कि एक नमस्ते सालोम इंडिया इसराइल के बीच एक साथ में एक बुक लिखा गया था, वो आया था। हाय मित्रों, मैं शशांक शेखर आपको फुल वॉल्यूम की तरफ से फिर मैं आपके सामने में हूँ। जैसा कि बहुत सुखद अनुभव हो रहा है मुझे आप लोग के सामने में आकर, क्योंकि मैंने जो जो बातें बताई थी आपको पिछले डिस्कशन में जो मैंने फुल वॉल्यूम पर डाला था कि 25-26 क्वेश्चन आपको करंट के पूछे जाएंगे और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा साइंस का बताया था, तो उससे कम है साइंस का प्रश्न, लेकिन फिर भी आपको मिला होगा बहुत सारे प्रश्न साइंस के। जैसा कि फुल वॉल्यूम के पत्रकार को लोग मिले थे तो उसके अनुसार आपके साइंस के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मित्रों ध्यान में रखना है कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। जैसे शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ कि विद्युत परिपथ जो होता है, विद्युत परिपथ में यदि विद्युत परिपथन लघु पथ शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा तो धारा का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। मित्रों फिर देखिए कि कौन सा फीमेल ऑर्गेन का पार्ट है? नहीं है, ऐसा था क्वेश्चन। जैसे उसमें था, मुझे ध्यान में है जैसे लड़कों ने बताया है कि ओवरी स्टिग्मा और ये नहीं है, तो स्टिग्मा उसका आंसर होगा कि फीमेल का जो प्लांट का जो पार्ट होता है उसमें स्टिग्मा नहीं होता है, ये पार्ट नहीं है। फिर उसी तरह से एक क्वेश्चन था आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, जैसे अंडाशय, गर्भाशय, ठीक है, शुक्रवाहिका और फलोपियन ट्यूब। तो आपको पता होगा कि फलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, फिर वहाँ से जाता है आपको यूट्रस में जाकर के एस्टैब्लिश होता है। तो ध्यान में रखना है कि आपका शुक्रवाहिका नहीं है, आपको फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में नहीं होता है। मित्रों इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे एंटी टैंक जो मिसाइल गार्डेड मिसाइल है वो कहाँ से छोड़ा गया है। तो एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल जो छोड़ा गया है वो मित्रों ध्यान में रखना है कि एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल जो हमारा छोड़ा गया है वो उड़ीसा से छोड़ा गया है, उड़ीसा के बालासोर से छोड़ा गया है। और इसका जो भर्सन है एंटी टैंक मिसाइल का, उसका भर्सन हम बोलते हैं किसको, तो वर्सन होगा हेलेंस्की, ठीक है, हेलियांस्की, इस तरह से कोई वर्सन है, तो वो जैसे आपके छात्रों से पता चला उसके आधार पर ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब देखिए
ठीक है, फिर बहुत सारे साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या पीएच मान होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया। तो 10.5 इसका पीएच वैल्यू होगा मित्रों, तो ये प्रश्न पूछा गया था आपको। फिर बहुत सारे साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे वोल्ट, ठीक है, एक वोल्ट या एक ओम बराबर क्या होता है, तो एक ओम बराबर होता है एक वोल्ट पर एम्पियर, पर एम्पियर, तो एक एम्पियर, तो जैसे लड़कों ने बताया कि एक ओम बराबर क्या होगा, तो एक वोल्ट पर एम्पियर होगा। फिर देखिए आपको इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न थे, जिस तरह से आपको मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, मैं बार बार चर्चा करता था कि इलेक्ट्रिक मोटर बच्चों पढ़ लेना है, तो इलेक्ट्रिक मोटर देखिए आसान प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक मोटर किसको किस में चेंज करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वह, ठीक है, आपके किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता था। एक प्रश्न और भी था कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने, ठीक है, अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, या तो दूर भागेगी या तो निकट आएगी, तो जैसा कि लड़कों ने बताया, तो ये कौन सी घटना है, तो ये अपवर्तन की घटना है। कौन सी घटना है? अपवर्तन की घटना है मित्रों, ध्यान में रखना है इसको। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। एक प्रश्न इस तरह से था कि किस रंग का अपवर्तन, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है, तो याद रखिए लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे आपको कम होता है मित्रों, क्योंकि लाल रंग का एनर्जी सबसे कम होगा लेकिन प्रकीर्णन आपको भी सबसे कम होता है, ध्यान में रखना है, यही सिग्नल में दूर तक जाता है। मित्रों रुक्मिणी पब्लिकेशन से बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि आपको एक पूछा गया था कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक एनर्जी आपको वैश्विक ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 76वां स्थान है। देखिएगा पेज नंबर, आपको पेज नंबर 21 पर ये प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न रुक्मिणी पब्लिकेशन से पूछे गए हैं, जैसे रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो आपको किताब आता है करंट अफेयर्स मंथली, उसमें से जैसे गोवा के मुख्यमंत्री का वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उसका क्या नाम है, तो सत्यपाल आपको मलिक जो है राज्यपाल है, और श्री प्रमोद सामंत आपका ये है मुख्यमंत्री है मित्रों। ठीक इसी प्रकार जैसे न्यायिक महान्यायवादी भारत के वर्तमान में कौन है, तो के वेणुगोपाल है। तो बहुत सारे प्रश्न के उत्तर जो है आपको इससे मिल जाएंगे। देखिएगा जीआई टैग जो है उससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी लड़कों ने बताया कि जीआई टैग से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका अलग से रुक्मिणी पब्लिकेशन में एक कॉलम दिया हुआ है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। फिर मित्रों बहुत सारे आपको साइंस के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, और कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि साइंस के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 15 से 20 के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आपको निमारी जो है किसका प्रजाति है, तो गाय की प्रजाति निमारी है। किसकी प्रजाति है निमारी, तो गाय की प्रजाति है। ठीक है, फिर देखिए आपको इसी तरह से एक आध और प्रश्न के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ मित्रों। ये जो है आपका सबसे अधिक प्रकीर्णन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैगनी का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा जबकि लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। फिर ओशियन एनर्जी जो है, ओशियन थर्मल एनर्जी पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, महासागरीय तापीय ऊर्जा पर कि, ठीक है, पानी का ताप अगर बढ़ जाता है तो उससे कौन सी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। फिर एक प्रश्न आपको इस पर भी था कि मैनग्रोव का जो प्लांट है वो किस किस क्षेत्र में पाया जाता है मित्रों, तो ये ध्यान में रखिएगा ये सब सारा प्रश्न। फिर जैसे ही प्रश्न के और भी प्रारूप हम लोगों को मिलता है तो फिर हम लोग आपके सामने में आएंगे और पूरा जो सॉल्यूशन है उसका वो भी हम लोग बताएंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे कैसे होगा, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे एक प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ कि नासा का जो ये था, नासा का जो मार्स रोवर मिशन था वो कब स्टार्ट होगा, जैसा कि लड़कों ने बताया तो 2020 में वो स्टार्ट होगा। तो मित्रों बहुत सारे प्रश्न जो है वह साइंस के पूछे गए, करंट अफेयर्स मेन फोकस करंट अफेयर्स पर था, बिहार से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, तो ये सारे प्रश्न आपको जैसा कि
यहाँ के संवाददाता फुल वॉल्यूम के संवाददाता हैं वो लड़कों से पूछ करके पता है, वहाँ से जो आपको निचोड़ निकल के आया उस प्रश्न कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए। फिर आपको ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को, और जैसे ही हम लोगों को पूरा प्रश्न जैसे कि बच्चे लोग एक दो तीन चार करके प्रश्न भेज रहे हैं तो फिर हम लोग आपके सामने में आएंगे और पूरा डिस्कस करेंगे इस पर। फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, आप लोगों का परीक्षा बहुत अच्छा गया होगा। जैसा कि मैं पढ़ा भी रहा था आप लोगों को, तो उसी आधार पर उसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि पैटर्न कुछ अतिरिक्त पूछा गया हो। और जैसा कि विदित है, लड़कों से बातचीत हुई है मेरी, तो लड़के बोल रहे हैं कि सर जैसा क्लास में आप बता रहे थे ठीक उसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ पूछा गया है। एक तो दूसरी बात क्या कि हम लोग जो है फुल वॉल्यूम की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब पीटी आपका हो गया, मेंस के लिए प्रिपेयर होइए, ठीक है, और बहुत अधिक मेहनत करके मेंस दीजिए। मेंस के लिए आप लोगों को, आप मेंस की परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोगों का मैं उत्साहवर्धन करता रहूँगा और रेगुलर आता रहूँगा। ढेर सारा धन्यवाद आपका। पीटी की परीक्षा हुई है, उस परीक्षा के परीक्षार्थियों से फुल वॉल्यूम के संवाददाताओं ने हुए और उसके आधार पर उन्हें कुछ प्रश्नों का जो उनकी स्मृति के आधार पर, स्टूडेंटों के स्मृति के आधार पर बताया गया है, जिसके आधार पर मैं एलके झा इन दोनों आदमी ने इन प्रश्नों को आधार पर कुछ विश्लेषण किया है जो परीक्षार्थियों ने अपने स्मृति के आधार पर संवाददाताओं को बताए हैं। इसके आधार पर शशांक सर और मैं दोनों आदमी कुछ प्रश्नों का विश्लेषण करना चाहूँगा और कुछ प्रश्नों को बताना भी चाहेंगे कि इस तरह की प्रश्न पूछी गई है और इसका आंसर यह दिया गया है। मैं आर्ट्स और मिसलेनियस प्रश्नों पर कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, जो दरोगा पीटी की एग्जाम हुई है उसमें 5 प्रश्न मैथ से पूछा गया है, जैसा कि स्टूडेंट लोग बताएं कि 5 प्रश्न मैथ से पूछा गया है। प्रश्न बहुत भारी नहीं था, बट्टा से प्रश्न पूछा था, इसी प्रकार जो है चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न पूछी गई थी, तो प्रश्न बहुत हल्की थी। लेकिन प्रश्न साइंस मैथ से पूछी गई है, जैसा कि सिलेबस में इस तरह की कोई बात नहीं कही गई थी, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परीक्षा में जो प्रश्न पूछी गई है उस प्रश्न में मिसलेनियस और करेंट अफेयर्स के प्रश्न को काफ़ी जोर दिया गया है, खेलकूद पुरस्कार आदि से प्रश्न काफ़ी पूछने की जो प्रवृत्ति समझ में आ रही है, जिस तरह स्टूडेंट जो बताए हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं। अन्य विषयों से भी प्रश्न नहीं है, साइंस से भी 15-20 प्रश्न संभवतः पूछी गई होगी, जिस तरह से स्टूडेंट की जो कथन है उसके आधार पर कह सकते हैं। फिर इसी तरह हिस्ट्री पॉलिटी आदि से भी प्रश्न नहीं है, जिस तरह हिस्ट्री में कुछ प्रश्न नहीं है जिसे हम बताना चाहते हैं आपको कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे, तो संभवभूति जो होगा वो तीसरे तीर्थकर थे। इसी प्रकार एक और प्रश्न आया है कि 23वें तीर्थकर कौन थे, तो 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ थे, जैसा कि जानते हैं कि 23वें तीर्थकर जो है वह पार्श्वनाथ थे। इसी तरह प्रश्न आपसे पूछी गई है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को कब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो जैसा कि हम जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय जो 1833 का चार्टर लाया गया जिसके द्वारा विशुद्ध रूप से भारत के लिए अलग से गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो बंगाल के सौ प्रभारी के साथ भारत के गवर्नर जनरल थे उन्हें स्वतंत्र प्रभार के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी प्रकार पूछा गया कि ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया, ये भी विलियम बेंटिंक के समय ही सलीमन से जुड़ा हुआ है, विलियम बेंटिंक के समय ही इस प्रश्न का भी आंसर होगा कि ठगी प्रथा को किन्होंने समाप्त किया, ये भी आपसे प्रश्न पूछी गई है। तो हिस्ट्री में इस प्रकार के हम देखते हैं कि बहुत सारा प्रश्न है जो आपको पूछा है, विशेष रूप से विलियम बेंटिंक जैसे व्यक्ति से, एक ही गवर्नर जनरल से दो दो प्रश्न आपसे पूछी गई है। अन्य प्रश्न में जिस तरह हम बताना चाहेंगे कि पूछा गया है आपसे प्रश्न कि इसरो के पानीपत के युद्ध से भी पूछा गया है कि पानीपत का जो प्रथम तृतीय युद्ध है वह किन किन के बीच हुआ है, तो पानीपत के तृतीय युद्ध जैसा कि हम जानते हैं कि 14 जनवरी 1761 को
जो मराठा और अफगानी के बीच हुआ, यह पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें सदाशिव राव वास्तविक मराठा के सेनापति थे, विश्वास राव उसके जो है नाम मात्र के सेनापति थे। अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई थी, मराठा की भारी पराजय हुआ था। इसी तरह एक प्रश्न और पूछा गया है कि शंकर खेरा का युद्ध कब हुआ था। ये प्रश्न जो शंकर खेरा का युद्ध पूछा गया है, यह निजाम उल मुल्क जो हैदराबाद में निजाम शाही वंश की स्थापना 1724 ईस्वी में किया, उनके साथ ये मुजाविर खां जो मुगल सेनापति थे उनके बीच यह युद्ध हुआ था। 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को संखेरा का युद्ध हुआ था, जो युद्ध बड़ी ही निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में हम यह देखेंगे कि दक्षिण में मुगल का प्रभाव कम होने लगता है। इस युद्ध से निजाम उल मुल्क एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना को लीगल रूप से अपना कार्य करने लगता है। इसी प्रकार विभिन्न विषयों से जो प्रश्न पूछा गया है, जिसमें करेंट अफेयर्स से जो प्रश्न काफ़ी पूछी गई है, और स्टूडेंट का जो बातचीत हुआ उनके स्मृति के आधार पर उन लोग का कहना है कि रुक्मिणी प्रकाशन के करेंट अफेयर्स से प्रश्न काफ़ी मिला है। उनका कहना है कि रुक्मिणी प्रकाशन की जो मंथली करेंट अफेयर्स प्रश्न आती है उससे हम लोग को लाभ मिला है, और करंट अफेयर्स में जैसा कि प्रश्न पूछा गया है वह मिसलेनियस प्रश्न है, विभिन्न तरह के प्रश्न पूछी गई है। इन प्रश्नों में जैसा कि आप देख सकते हैं, एक प्रश्न है कि इसरो द्वारा चंद्रयान द्वितीय का जब प्रक्षण किया गया उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि के सिवन को हम जो है भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। के सिवन चंद्रयान द्वितीय के समय इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। इसी प्रकार अन्य प्रश्न भी आपसे काफ़ी पूछा गया है, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया है मिठाई से संबंधित, जिसमें पूछा गया है कि बुगलीगिरी पलोक्का जो एक मिठाई का नाम है वह किस राज्य से ज्योग्राफिकल इंडेक्स है। तो हम बताना चाहेंगे ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित होगी। एक प्रश्न जो स्टूडेंट का कहना था कि उदयगिरी अभ्यरण कहाँ है, तो उदयगिरी अभ्यरण यह बहुत चौंकाने वाला प्रश्न है, क्योंकि उदयगिरी का संबंध उदयपुर अभ्यरण कहाँ है। तो उदयपुर अभ्यरण से हमें राजस्थान की ओर पूरी तरह केंद्रित हो सकते हैं, जैसा कि विकल्प में भी संभवतः राजस्थान भी स्टूडेंट का कहना था कि था, लेकिन इसका आंसर बिहार होगा, क्योंकि पश्चिमी चंपारण में उदयगिरी अभ्यरण है। इसी प्रकार एक प्रश्न बिहार से भी कुछ प्रश्न नहीं है, जिस तरह भीमा बांध कहाँ है, जो कई विकल्प में संभवतः एक विकल्प यह भी था कि भीमा बांध कहाँ है। तो भीमा बांध जैसा कि हम जानते हैं कि मुंगेर में है, ये आपका प्रश्न पूछा गया था। इसी प्रकार जो हम देखेंगे कि नागार्जुन बांध किस नदी पर है, एक प्रश्न आपसे पूछी गई है। नागा अर्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, महायान के जनक माने जाते हैं, उन्हीं के नाम पर नागा अर्जुन बांध, नागा अर्जुन कोंड भी आंध्र प्रदेश में स्तूप है। तो नागा अर्जुन बांध कृष्ण नदी पर है। एक प्रश्न आया कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जो 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबी, ये इतनी इसकी बहाव क्षेत्र है, लंबाई में 1465 किलोमीटर यह बहती है, यानी गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास से निकलती है। इसी प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस में विद्यार्थियों को जो अर्जुन राष्ट्रीय खेल दिवस में जो खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया है उनमें किनको दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। इसी प्रकार अन्य प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जिन्हें वहाँ का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की पहली महिला जो वहाँ
उनको न्यायाधीश नियुक्त किया गया है सुमन कुमार है। इनको पाकिस्तान का न्यायाधीश नियुक्त करने वाला है। यह प्रथम भारत का माने हिंदू जो वहाँ का न्यायाधीश बना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नमस्ते सलोम जो है संबंध किन किन देशों के बीच है, तो नमस्ते सलोम का संबंध भारत और इजराइल देश के बीच है। भारत और इजराइल देश के बीच नमस्ते सलोम का वर्ड आया है। एक प्रश्न आपसे आया है एनर्जी पर कि गांधी सोलर पार्क जो 150 किलोवाट का दिया गया है यह भारत सरकार द्वारा यानी माननीय श्री मोदी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है, तो न्यूयॉर्क में किया गया है, जो यूएन का मुख्यालय है उस न्यूयॉर्क में इसका जो है बनाया गया है। एक और प्रश्न पूछा गया है कि लोकपाल से दो प्रश्न, लड़का का कहना था कि लोकपाल से दो प्रश्न हमसे पूछा गया है। एक प्रश्न पूछा गया है कि लोकपाल सर्वप्रथम संसद में कब लाया गया था, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लोकपाल जो है 1967 में पहली बार संसद में लाया गया था। लक्ष्मीमल सिंघवी जो है 1963 में लोकपाल का चर्चा किया था, लेकिन संसद में 1967 में लाया गया था। आपका आंसर 1967 होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्वीडन में 1809 में ओमर्समैन पहली बार चर्चा में आया था। और भारत में जो एक प्रश्न और दूसरे लड़का का कहना था कि पहला लोकपाल भारत में किसे नियुक्त किया गया है, तो पिनाकी चंद्र घोष इसका आंसर होगा कि पहला लोकपाल भारत में किसको नियुक्त किया गया, तो पिनाकी चंद्र घोष इसका आंसर होगा। जैसा कि आप समझते हैं कि लोकपाल काफ़ी विवादित रहा और काफ़ी जटिल 8 बार संसद में इसको पारित किया गया, उसके बाद अंततः इसे पारित करने में सफलता मिली है। भारत में जो है प्रश्न था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन आयोग की जो है गठन किया गया है वह 25 जनवरी को किया गया था। इस आधार पर निर्वाचन दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार का प्रश्न था कि एक मुख्यमंत्री यदि बन जाते हैं और यदि वे सदन के सदस्य नहीं है तो कितने दिनों के महीना या दिनों के अंदर उन्हें सदन का सदस्य होना होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी संघ या राज्य में मंत्री बन सकते हैं, यदि वह सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उन्हें सदस्यता ग्रहण करना होगा। एक प्रश्न था कि 23 माने बलात्श्रम और मानव दुर्व्यवहार से संबंधित किस आर्टिकल में चर्चा है, तो हम बताना चाहेंगे आपको कि 23 आर्टिकल में चर्चा है कि बलात्श्रम हम नहीं कर सकते हैं और मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1976 में जो है एक भारत में संसद द्वारा जो है वह बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम भी लाया गया, जिसके द्वारा बलात्श्रम को पूरी तरह निषेध कर दिया गया। इसका चर्चा जैसा कि 23 अनुच्छेद आपका आंसर होगा। एक प्रश्न था कि अटर्नी जनरल वर्तमान में कौन है, तो जैसे के वेणुगोपालन जो है अटर्नी जनरल है, 76 आर्टिकल के अनुसार उन्हें भारत का जो है अटर्नी जनरल किन्हीं को बनाया जाता है, उन्हें बनाया गया है के वेणुगोपालन को, जो भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दल बदल कानून जो राजीव गांधी सरकार समय में दल बदल कानून लाया गया था वह किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है, जिसे 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया था, जिसके द्वारा 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किया गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा यह जो है 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्मृति के आधार पर जो स्टूडेंट लोग का कथन है
उसके आधार पर हमने कुछ प्रश्न बताने का प्रयास किया। हमने आपको एक बार पुनः कहा था पहले भी कि इस परीक्षा में सबसे नई बात है कि 5 मैथ का प्रश्न पूछी गई है जिसके बारे में आयोग ने कोई सिलेबस में चर्चा नहीं किया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि समसामयिक विषय को अधिक जोर दिया गया है, हालांकि बिहार से भी 5-7 प्रश्न पूछी गई है। इसमें लड़का को जो हूबहू फुल वॉल्यूम के संवाददाता हुए हैं उनका कहना था, उन अभ्यर्थियों का, कि करंट अफेयर्स के प्रश्न में रुक्मिणी प्रकाशन के जो करंट अफेयर्स निकलती है मंथली, उससे हमको काफ़ी लाभ हुआ, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किए थे। इसी प्रकार हमें और भी जो जो लड़का से हम लोग मिलने का प्रयास संवाददाता कर रही है, और जो जो प्रश्न आपके हम लोग के सामने आएगा, हम और प्रश्न को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। जो हमने बताया आपने इसको प्रयास करेंगे समझने का, इसके लिए धन्यवाद। हम आपके आभारी रहेंगे।